हेलो एवरीवन, स्वागत है राइट टू एजुकेट चैनल पर। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी के साथ करेंगे, जिससे आप इंडिया में चल रहे मुद्दे को आसानी से समझ सकें। एक परिवार में बहुत से लोग रहते थे और उस परिवार का हेड छप्पर हुकुम चलाने लगा या अपनी मन मर्जी के अनुसार काम कराने लगा, तो उस परिवार में झगड़े होने लगे और ये झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि आवाज़ पड़ोसियों तक पहुंच गए और आखिर में पड़ोसियों ने पूछ ही लिया कि भाई झगड़े सुलझा क्यों नहीं लेते हो। तो अपने घर के झगड़े सुलझाने की जगह वो पड़ोसियों के साथ झगड़ने लगे। बेसिकली अगर वो अपने घर में सलाह मशवरा करके या बातचीत करके डिसीजंस लेते तो उनके घर में ही झगड़े नहीं होते। तो ये ही हुआ है अभी इंडिया में रिहाना के एक ट्वीट से। रिहाना इज अ फॉरेन सिंगर और उन्होंने फार्मर्स के प्रोटेस्ट पर एक ट्वीट करा, दैट व्हाई आरएनबी वी टॉकिंग अबाउट दिस हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट। इस ट्वीट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कुछ हैशटैग्स निकाले, लाइक इंडिया टुगेदर, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, और इन हैशटैग्स का यूज करते हुए इंडियन सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करने स्टार्ट करे। लाइक से एक्टर, सिंगर, स्पोर्ट पर्सन ने ट्वीट करा कि इंडिया इतना कैपेबल है कि वो अपने झगड़े खुद सुलझा सकता है, बाहर के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। या वी ऑल नो कि इंडिया इज कैपेबल इनफ कि वो अपने झगड़े खुद सुलझा सकता है। और बहुत से लोगों का कहना है कि रिहाना को इन फार्म बिल्स के बारे में कुछ पता भी है या फिर उसको इस ट्वीट के पैसे मिले होंगे। बेसिकली वी आर नॉट हेयर टू टॉकिंग अबाउट दिस कि उसको फार्म बिल्स के बारे में पता है या पैसे मिले। ऐसे तो इंडिया ने भी कई बार इंटरनेशनल क्रिटिकल मुद्दों पर ट्वीट कर आवाज उठाई है। जैसे व्हाइट हाउस में हुए प्रोटेस्ट को लेकर ही बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बोला कि हम इस प्रोटेस्ट से परेशान हैं, सत्ता का ट्रांसफर एक शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक गैर कानूनी तरीके से नहीं होने दिया जा सकता। और अभी हाल ही में हुए म्यांमार में सेना के तख्ता पलट को लेकर भी हमारी सरकार ने ट्वीट करा कि हम मानते हैं कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखना चाहिए, हम स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। तो रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग या किसी के भी द्वारा किए गए क्रिटिसाइज ट्वीट को गवर्नमेंट को इंडिया के खिलाफ एक साजिश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोलेगा और हम सुनते रहेंगे। बेसिकली जहां कुछ गलत होता है वहां आवाज उठानी चाहिए, बट शब्दों की कुछ मर्यादा होती है जिनको कायम रखते हुए हमें बोलना चाहिए। आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज एनी गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट को कोई भी नया बिल या कानून लाने से पहले लोगों को इतना अवेयर या प्रिपेयर कर देना चाहिए कि वो उससे होने वाले लाभ या हानि से सतर्क रहें और अपने आगे आने वाले फ्यूचर में इजीली एडजस्ट कर सके और इससे होने वाले दंगे भी कम हो सकेंगे। जैसे अभी फार्मर्स लॉस को लेकर हुआ है CANRC के केस में, या जम्मू कश्मीर के 370 में हुआ था, या नोटबंदी के समय। सरकार को कोई भी कानून लाने से पहले उसे ग्राउंड लेवल पर जाकर एनालाइज करना चाहिए कि लोगों पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट के पास कमेटीज होती हैं। हम यहाँ स्टैंडिंग कमेटी की बात करेंगे। ये एक परमानेंट और रेगुलर कमेटी, एंड दीज कमेटीज आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड एवरी ईयर बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बेसिकली इस स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या है कि कोई भी कानून को लाने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करे, ग्राउंड लेवल पर उसको एनालाइज करे और ये देखे कि लोगों पर उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और उसे अच्छे से एनालाइज करे। तो अब सोचने की बात ये है कि स्टैंडिंग कमेटी के होने के बाद भी लोगों को इतना प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ता है। बेसिकली द फैक्ट इज हियर कि 2004 से 2009 के बीच में 60% बिल पास किए गए थे या फिर स्टैंडिंग कमेटी को दिए गए थे, और आते आते दैट इज 2014 और 19 में 16th लोकसभा के अंदर 26% बिल ऐसे थे जो केवल स्टैंडिंग कमेटी को दिए गए एनालाइज करने। 2019 से 2024 तक बेसिकली अगर अभी देखा जाए तो 2019 और 20 में 18 बिल पास किए गए और जिसमें से केवल एक ही बिल दिया गया स्टैंडिंग कमेटी को एनालाइज करने के। और हम सरकार द्वारा लाए गए पिछले कानूनी मुद्दों पर बात करें तो उसमें सबसे पहले NRC और CAA का केस। NRC में सबसे पहले आसाम में दंगे होने शुरू हुए। बेसिकली सरकार वहां पर लोगों को विश्वास नहीं दिला सकी और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण लोगों के मन में हिंदू मुसलमान को लेकर इनइक्वालिटी पैदा होने लगी। और अगर सरकार लोगों को ठीक प्रकार से आश्वासन देती तो ये सब दंगे देखने को नहीं मिलते। और वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 की बात करें तो सरकार ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार को गिराया और फोर्स लगाकर गवर्नर द्वारा आर्टिकल 370 को हटाया गया, एक असंवैधानिक तरीका था। अगर यही काम वो संवैधानिक तरीके से करती और अपनी सरकार को बहुमत के साथ लाती तो आज जनता का साथ सरकार के साथ होता और ये सब दंगे देखने को ना मिलते।
और इसी तरह सरकार द्वारा नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में लिया हुआ नजर आया। बैंक और एटीएम में प्रॉपर फैसिलिटी ना होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा और नोटबंदी का सीधा असर हमारी इकोनॉमी की जीडीपी पर पड़ता हुआ नजर आया। नोटबंदी से पहले इंडिया की जीडीपी 7.5% थी और नोटबंदी के बाद इंडिया की जीडीपी 5.7% हो गई। तो जल्दबाजी में लिए गए फैसले से इंडिया की जीडीपी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। वहीं अगर हम लेबर लॉ की बात करें तो मजदूरों के कानून में जो बदलाव किया गया उससे मजदूरों की शक्तियों को कमजोर किया गया ताकि एफडीआई की फैसिलिटीज को बढ़ाया जा सके, जिससे काफी मजदूर निराश हुए और धरने पर उतर आए। अभी चल रहे फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बात करें तो इस बिल को पास कराते समय भी आर्टिकल 100 का उल्लंघन किया गया और राज्यसभा में ठीक तरीके से पास नहीं कराया गया और सरकार किसानों को आश्वासन देने में असमर्थ रही। अगर हम इन सभी मुद्दों पर गौर करें तो कहीं ना कहीं सरकार लोगों को विश्वास नहीं दिला सकी और कोई भी कानून बनाने से पहले उसको ग्राउंड लेवल पर एनालाइज ना करने के कारण ये सब दंगे और धरने देखने को मिले। अभी हाल ही में EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक 2 नंबर और ज्यादा शिफ्ट हो गई। पहले 2019 में इंडिया की रैंक 51 थी और 2020 में ये रैंक 53 हो गई, विच इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि यह नए कानून अपनाने के लिए लोगों पर बल दिया जाता है जिससे लोगों की डेमोक्रेसी का हनन होता है। इसी कारण इंडिया की रैंक 2 प्लेस से और ज्यादा शिफ्ट हो गई है। पर हम आशा करते हैं वी विल टेकल दिस सून। इन माई ओपिनियन इंडियन गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रेज देयर वॉइस अगेंस्ट सम इंटरनेशनल इशूज। द फर्स्ट वन इज, एज वी ऑल नो कि चाइना एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है और चाइना हांगकांग को मिले डेमोक्रेटिक राइट्स को छीनना चाहता है। बेसिकली चाइना नेशनल पॉलिसी के तहत हांगकांग के लोगों की डेमोक्रेसी को छीन रहा है और दूसरी तरफ चाइना उग्र मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, उनको अपने रीति रिवाज अपनाने से रोकता है और उग्र मुस्लिम औरतों को बुरी तरह प्रताड़ित करता है। तो इंडिया को चाइना में हो रहे इन इश्यूज पर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है इंडिया में अगर कुछ भी ऐसा होगा तो चाइना कभी भी इंडिया की बुराई करने में पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ श्रीलंका में मेजोरिटी में रह रहे सिन्हलीज द्वारा श्रीलंकन तमिलियंस पर अत्याचार किए जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की आर्मी के द्वारा रोहिंग्या कम्युनिटी पर अत्याचार किए गए, जिससे रोहिंग्या कम्युनिटी म्यांमार छोड़ने पर विवश हुई। और आखिर में यही कहूंगी कि इंडिया या कोई भी देश की गवर्नमेंट क्यों ना हो, उसे लोगों के हित के लिए कार्य करने चाहिए और कोई भी कानून बनाने से पहले उसे ग्राउंड लेवल पर जाकर उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।